नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 18 वर्सेस रियलमी 9 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कैमन 18 में 6.65 इंच जबकि रियलमी 9 में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि कैमन 18 से कम है। विड्थ की बात करें तो कैमन 18 में 3.02 इंच जबकि रियलमी 9 में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि कैमन 18 से कम है। बात करें थिकनेस की तो कैमन 18 में 0.35 इंच जबकि रियलमी 9 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो कैमन 18 में 203 ग्राम जबकि रियलमी 9 में 178 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कैमन 18 में इप्स LCD जबकि रियलमी 9 में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो कैमन 18 में 20:5:9 जबकि रियलमी 9 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कैमन 18 में 6.8 इंचेस जबकि रियलमी 9 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कैमन 18 में 1080x2460 और रियलमी 9 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैमन 18 में 85.05% जबकि रियलमी 9 में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कैमन 18 में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि रियलमी 9 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कैमन 18 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और रियलमी 9 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो कैमन 18 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रियलमी 9 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो कैमन 18 में माली G52 MC2 जबकि रियलमी 9 में एड्रीनो 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो कैमन 18 में MediaTek Helio G85 और रियलमी 9 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें रैम की तो कैमन 18 में 4 GB की रैम मिलती है जबकि रियलमी 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB 8 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो कैमन 18 में 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि रियलमी 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कैमन 18 में एंड्रॉइड V11 जबकि रियलमी 9 में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो कैमन 18 में 2 कलर्स जबकि रियलमी 9 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो कैमन 18 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 9 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 आगे है, मेन कैमरा में Realme 9 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Realme C21Y है, तीसरा Motorola H20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M32 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।